रफ्तार का कहर मेहरोनी मार्ग पर ग्राम मसौरा के समीप एक बाइक और एक कौमी कार में भिड़ंत के साथ 5 लोग हुए घायल। बाइक मौके पर ही जलकर हुई खाक। बाइक सवार 3 लोगों की हालत गंभीर। घायलों को पुलिस की सहायता से पहुंचाया गया जिला अस्पताल। तो वही सरकार के दावों की खुली पोल। 108 नंबर को डायल करने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची 108 नंबर। तो वही मोटरसाइकिल पर बैठने वाले लोग अनोरा के बताए जा रहे हैं, जो कि गंभीर रूप से घायल हैं और इस समय जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। एक बार फिर ललितपुर पुलिस द्वारा लोगों की मदद की बात सामने आई है। जिस प्रकार स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पुलिस ही सबसे पहले पहुंची और पुलिस ने ही उनके लिए अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। तो एक बार फिर ललितपुर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने भी आया है। आइए सुनते हैं मौके पर जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे वो क्या कह रहे हैं, क्या पूरा घटनाक्रम है, आइए सुनते हैं। जी, जब ये घटना हुई आप कहां थे? हम क्या देखा? मकान के पास बैठे थे, वहां से देखा हमने मोटरसाइकिल और मारुति वैन की आमने सामने भिड़ंत हुई। वहां से भागे हमने, स्थानीय 4-5 लोग और थे, उन्हें भी बुलाया कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, आग भी लग गई है। तो यहाँ पे मौके पर देखे तो 3 लोग यहाँ पड़े थे अलग अलग जगहों पे जी, जिसका एक पैर यहाँ से बिल्कुल अलग हो गया, एक का यहाँ से फ्रैक्चर है, हाथ में भी फ्रैक्चर है, एक वहाँ पे घास के पास पड़ा जी। था 2 बच्चे यहाँ फेंके पड़े थे जी। और जो ड्राइवर था वो स्टेयरिंग पे बैठा था जी। महिला अंदर थी जी। ड्राइवर को हम देखे कि चोट तो नहीं है, लेकिन वो नशे में भरपूर था, उसी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। जी, जो घायल थे वो कैसे, ज्यादा तो नहीं लगी थी उनके लिए? एक का पैर मतलब फ्रैक्चर हो चुका है, हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है, एक का पैर यहाँ से बिल्कुल अलग स्थिति में दिख रहा है। पुलिस को जानकारी किसने दी? पुलिस को हम ही ने सूचना दी, तुरंत मौके पर 5 मिनट में ही लगे, पुलिस फोर्स पूरा मौके पर आ चुका है और पुलिस की ही मदद से तुरंत हॉस्पिटल भेजाया गया, जो कि एम्बुलेंस को 15 मिनट वेट करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई, पुलिस मौके पर आई और वो ले गए। पुलिस एम्बुलेंस करीब 8 घंटे बाद आई, जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अभियान तो नहीं कह रहे हैं बच गया, बच गए हमारे दोनों। अब मैं बोलेरो में एक आदमी है, वो पीछे पीछे गाड़ी पे बैठे हैं, वो दोस्तों हैं जो डले खून का मोटरसाइकिल मान को ही।